Welcome all of you. This is an SST Edupedia. Myself Gunjan Uchriyas. Today's topic is Advanced Web Designing. Yesterday I am saying for the Advanced Web Designing में जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी HTML की कोडिंग में मैंने आपको बताया था, लेकिन आज आपकी ये कोडिंग SOP 1 से रिलेटेड है. मीन्स आपके एडवांस वेब डिजाइनिंग में जो आपके प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें HTML के प्रैक्टिकल्स है SOP 1 के, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. फर्स्ट आपके इसमें SOPs में क्या क्या क्रिएट करना है. एडवांस वेब डिजाइनिंग में SOP 1 में क्रिएशन ऑफ अ वेबसाइट यूजिंग द HTML, राइट अ कोड ऑफ टू सेपरेट पेजेस हैविंग द डिफरेंट फाइल नेम्स, जिसमें आपको दोनों पेजेस को अलग अलग फाइल नेम देना है. फर्स्ट पेज को देना है आपको index.html एंड सेकंड पेज को आपको देना है page2.html. यूज एनी थीम सच इज द कॉलेज प्रोफाइल, जिसमें कॉलेज का नाम, कॉलेज की एड्रेस, कॉलेज में क्या क्या आपको डेवलप किया गया है, वो सब इंफॉर्मेशन देना है. जिसमें कंटेंट प्रॉपर यूज करना है आपको मेटा डेटा इंफॉर्मेशन एंड डिजाइन एज फॉलोज. इसमें आपके पूरे दो पेजेस क्रिएट करने हैं. दोनों के दोनों पेजेस में आपको कौन सी वेब व्हाट्सएप के हिसाब से यूजिंग होता है अभी आज देखेंगे हम लोग. फर्स्ट क्रिएशन ऑफ अ वेबसाइट यूजिंग HTML में आपके SOP 1 में आपको अपनी वेबसाइट यूज करनी है किसके कोडिंग के थ्रू, HTML के कोडिंग के थ्रू. फर्स्ट क्वेश्चन है द इंडेक्स पेज मस्ट कंटेन अ हेडिंग दैट इज द हाईएस्ट अमंग देयर टेक्स्ट ऑन पेज एंड मस्ट बी एट द कंटेनर ऑफ द पेज. देयर मस्ट बी द पैराग्राफ दैट इंट्रोड्यूस द जर्नल इंफॉर्मेशन, उसमें आपको अपनी इंफॉर्मेशन जर्नल डालनी है और थ्री स्टाइल टेक्स्ट यूज करने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक एंड समवन एल्स. Then one image with the alternative text. Page must be the connected with the proper navigation links. जिसमें आपको navigation links भी डालनी है, जिसमें आपका पेज दोनों के साथ interlinked हो. Means interlinked मतलब क्या होता है, एक पेज और दूसरे पेज के साथ दोनों कनेक्ट हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एक पेज क्रिएट किया है जियो कंपनी का, उसका दूसरा पेज क्रिएट करना है हमको फीडबैक फॉर्म का. आइए देखते हैं सेकेंड पेज में क्या क्या करना है हमको. मस्ट कंटेन द फीडबैक अवर एनरोलमेंट फॉर्म रिलेटेड विद थीम्स चूज फीचर ऑफ द HTML 5. द फॉर्म मस्ट कंटेन द टैक्स अलाइनमेंट एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द कंपनी अवर पर्सन इंक्लूड द सबमिट बटन. जिसमें आप लोगों को फॉर्म कंटेन करना है और उसमें आपको ईमेल एड्रेस ऑफ द कंपनी के हिसाब से पर्सनल सबमिट बटन भी क्रिएट करना है. सबमिट बटन के लिए मैं आपको कौन से टैग्स यूज होते हैं, कौन से कंटेन यूज होते हैं, उसमें आपको बहुत सारा कंफ्यूज हो जाएगा. और अभी आपका राइट नाउ बोर्ड का प्रैक्टिकल भी आने वाला है, तो आपको बहुत सारे डाउट्स भी रहेंगे. आई थिंक सो ये वीडियो देखेंगे तो आपके पूरे डाउट्स क्लियर होते हैं. लेट्स सी कि हम लोगों के इसमें कौन से SOPs की कोडिंग्स रहेगी. पहले पहले हमको फाइल का नाम सेव कौन से नाम से करना है, SOP 1 कोड फाइल जो भी देना है हमको फाइल का नाम index.html. उसमें फर्स्ट आपको फाइल का नाम सेव करना है index.html. पहले पहले जैसे नॉर्मल स्टैक बेसिक जो रहती है हमारी, डॉक्यूमेंट टाइप HTML हार्ड एंड टाइटल. टाइटल में मैंने किसी कंपनी का नाम डाला है, आप किसी भी कॉलेज का नाम, कॉलेज की इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं. टाइटल क्लोज मेटा नेम. व्हाट डू यू मीन बाय मेटा, मींस ऑथर किसने किया है. कंटेंट में क्या है, जियो फाइबर, ठीक है. मेटा नेम में डिस्क्रिप्शन कंटेंट है जियो नेटवर्क. एंड देन मेटा नेम में कीवर्ड्स हम लोगों को क्या डालने हैं कंटेंट में, फाइबर, जियो नेटवर्क, डिजिटल्स एंड इंडिया. अभी फाइव पहले पहले मेटा नेम दिया मैंने, एक ऑथर का नाम दे दिया, फिर इसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में कंटेंट लिख दिया कि वो कंपनी क्या क्या देती है, प्रोवाइड क्या क्या करती है हमको. एंड मेटा नेम में कीवर्ड्स के हिसाब से कंटेंट, जैसे फाइबर, जियो नेटवर्किंग एंड डिजिटल इंडिया ऑल्सो. डेली बेसिस पे आप देखोगे आजकल लेटेस्ट में लेटेस्ट जियो कंपनी ज्यादा डेवलप कर रही है. देन स्टाइल, बॉडी में बैकग्राउंड मैंने कलर लिया है ग्रीन. एनी हैव यू कैन चॉइस कि आप कौन सा भी कलर ले सकते हो, फॉर एग्जांपल ग्रीन, ब्लू, येलो, पिंक,
सिर्फ आपको ब्लैक नहीं लेना है क्योंकि बैकग्राउंड में ब्लैक नहीं दिखता है। नेक्स्ट फॉन्ट की साइज कितनी होनी चाहिए, 20 PT, PT मतलब पॉइंट्स में। देन H1 हेडिंग 1, टेक्स्ट का अलाइजन किस में होना चाहिए, सेंटर में, और बैकग्राउंड का कलर मैंने दिया है ब्लू। ब्लू इसके लिए दिया है क्योंकि हाईलाइट्स होता है ग्रीन पे, दैट्स व्हाई। एंड ब्लू कलर एंड उसका टेक्स्ट का कलर जो होना चाहिए वो व्हाइट। इसके बाद मैंने हेडर दिया है जिसमें नेविगेशन में बैकग्राउंड कलर लिया है लाइट ग्रीन या लाइट रेड लिखा हुआ है, बट आप लाइट ग्रीन भी ले सकते हैं। हेडर नेविगेशन में UL मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट जिसको बोलते हैं UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोग डिस्प्ले इनलाइन करेंगे। एंड हेडर नेविगेशन UL लिस्ट में हम लोगों का स्टाइल आएगा नन। नन क्यों, अगर आप लोग उसमें लिस्ट में नहीं लिखते हो ना नन, तो आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाता है, ठीक है। एंड डिस्प्ले में इनलाइन, फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज 15 PT होना चाहिए एंड पैडिंग इज द 5 pixels। देन फुटर में बैकग्राउंड कलर डाला है मैंने येलो। पहले पहले आपको पूरी की पूरी जो भी कलर डालना है, साइज डालना है या जो भी करना है, पहले आपको पूरा करके रखना है। एंड देन जिसमें कलर डाला है मैंने वो व्हाइट है क्योंकि वो आउटपुट में शो आउट होता है। स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज, देन बॉडी का बैकग्राउंड में मैंने एक इमेज का पार्ट डाला है। इमेज का पार्ट आप लोग कैसे देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एक जियो कंपनी का मैंने फोटो डाउनलोड किया, उसको राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, उसका लोकेशन क्या करना है आपको कॉपी करना है, सिक्योरिटी में जाके लोकेशन कॉपी करना है और आपके नोटपैड में आपको वहां पर पेस्ट करना है। पेस्ट दोनों इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होना चाहिए और पिक्चर का एक्सटेंशन तो आपको पता होगा .jpg, ये आपकी कोडिंग है फर्स्ट पेज की। अभी बॉडी के बाद आपका कंटेंट आता है जिसमें मैंने H1 यूज किया, H1 ऊपर भी यूज किया था, उसका कलर दिया था मैंने जिसमें जियो जीजा फायर है, H1 क्लोज। नेविगेशन के लिए NAV यूज किया है, UL मतलब ऑर्डर लिस्ट एंड LI मतलब लिस्ट जिसमें आपको दो पेजेस को कनेक्ट करना है, एक index.html दूसरा index2.html। पहले पेज को मैंने 1.html दिया है और सेकंड पेज को मैंने 2.html दिया है। LI मतलब लिस्ट, ahreference index2.html। फीडबैक फॉर्म के लिए आपको फीडबैक के लिए LI क्लोज, लिस्ट ओपन के बाद लिस्ट क्लोज, हेडर क्लोज, पैराग्राफ एंड बोल्ड में मैंने लिखा है क्लाउड बैकअप। फॉर एग्जाम्पल वर्ड डार्क करने के लिए बोल्ड यूज होता है। इसके बाद मैंने पैराग्राफ डाला है जो आप पैराग्राफ डाल सकते हैं, जियो कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है, कभी लॉन्च हुई थी, कभी उसका अभी रनिंग चल रहा है, कितना कहां पर सेटअप चल रहा है। UL मतलब अंडरलाइन देना, वर्ड्स को नीचे अंडरलाइन देना। वर्ड्स के अंडरलाइन में मैंने लैंड अवर फोन एज इन द इंटरकॉम, UL क्लोज। फिर इसके बाद मैंने इंफॉर्मेशन दिया थोड़ा बहुत जियो का। S मतलब स्ट्राइक, जो वर्ड्स को अंडरलाइन देता है और कंटेंट को। S क्लोज, क्लोज करने के लिए ऑलवेज स्लैश दिया जाता है। फिर मैंने उतना उसका इंफॉर्मेशन डाला है। देन T क्लोज, सेंटर में मैंने एक इमेज लिया है जिसका जियो कंपनी का, जिसको जियो फाइबर भी बोल सकते हैं। अगर इमेज नहीं आ रहा है तो अल्ट में जियो फाइबर करके लिख कर आएगा। कंटेनर क्लोज, सेंटर क्लोज, BR। ईमेल आज भी दिया है मैंने उसका कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल अगर वो आपको वेबसाइट पे कोई नहीं भी मिल रहा है, कभी ढूंढने में तकलीफ हो रहा है, तो वो उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको उसका ईमेल भी दिखेगा। फुटर क्लोज, बॉडी क्लोज एंड लास्ट विल बी द HTML क्लोज। अभी आपको आपके मेरे स्क्रीन पर शो होता होगा आउटपुट। आउटपुट में देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने जियो कंपनी से रिलेटेड एक पिक्चर भी दिया था, ऊपर जियो जीजाबाई फाइबर भी डाला था, उसमें हम लोगों ने इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत डाला। ऐसे हम लोग इंटरलेक्ट करेंगे फर्स्ट पेज को सेकंड पेज के थ्रू। अभी करते हैं सेकंड पेज। सेकंड पेज के लिए कोडिंग क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट टाइप HTML, HTML हैड टाइटल। टाइटल में मैंने फीडबैक फॉर्म लिखा है क्योंकि जो कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है उसके लिए फीडबैक फॉर्म भी कंपलसरी है। टाइटल क्लोज, देन स्टाइल
H1 डाला है, टेक्स्ट में अलाइजर मैंने डाला है सेंटर, बैकग्राउंड का कलर डाला है ब्लू, एनी हाउ यू कैन विश यू कैन यूज योर कलर, देन कलर में मैंने डाला है व्हाइट एंड बैकग्राउंड कलर में मैंने डाला है मैरून, मैरून की जगह पर आप येलो पिंक जो भी है यूज कर सकते हैं। हेडर नेविगेशन, बैकग्राउंड का कलर लाइट ग्रीन, हेडर नेविगेशन UL अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें डिस्प्ले में इनलाइन क्यों लिखा है, क्योंकि उसमें आगे बुलेट्स नहीं आने चाहिए, होना वैसा ही चाहिए लेकिन आगे बुलेट्स नहीं आने चाहिए। हेडर नेविगेशन UL LI लिस्ट में मैंने स्टाइल दिया है नन, एंड डिस्प्ले में मैंने दिया है आपको इनलाइन। फॉन्ट साइज मैंने लिखा है 15 पॉइंट्स एंड पैडिंग लिखा है मैंने 5 पिक्सल में। अगर आपको पहले जैसे ही सेम कोडिंग नीचे लेनी है, सेकंड पेज पे भी आप लोग सेम कोडिंग लिख सकते हो। एंड हेडर नेविगेशन UL लिस्ट, ए मतलब एंकर टैग, जिसके लिए कलर कौन सा होना चाहिए, रेड, स्टाइल क्लोज, हेड क्लोज एंड बॉडी, बॉडी में मैंने हेडर, देन H1 फिर से क्या आ गया, फीडबैक फॉर्म, नेविगेशन UL मतलब अनऑर्डर लिस्ट, लिस्ट में मैंने डाला है एक index.html मतलब जिसको मैंने पेज के थ्रू कनेक्ट किया है, H रेफरेंस, A मतलब जिसको मैंने पेज के थ्रू कनेक्ट किया है। अगर मैं होम में जाती हूं, होम को क्लिक करती हूं तो पेज 1 स्टार्ट हो जाएगा मेरा। L है A एंकर टैग, फिर से H रेफरेंस मतलब हाइपर रेफरेंस यूज किया मैंने, जिसमें मैंने पेज 2.html दिया है, जिसको नाम दिया मैंने फीडबैक। होम में जाएंगे तो होम का पेज ओपन होगा, फीडबैक में जाएंगे तो फीडबैक का ओपन होगा, क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। UL क्लोज, हेडर क्लोज, देन फॉर्म में मैंने उसमें लिखा है योर नेम, इनपुट टाइप में मैंने डाला है टेक्स्ट में फुल नेम लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को फीडबैक में लिखना पड़ेगा ना उसका फुल नेम, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, उधर इंफॉर्मेशन में फुल नेम एंड योर ईमेल आईडी में आपका ईमेल आईडी चाहेगा। BR इसके लिए यूज होता है कि थोड़ा ब्रेक देने के लिए, एंटर करने के लिए। फिर इनपुट टाइप में मैंने फिर से लिखा है ईमेल, जिसमें नेम में भी ईमेल लिखा है। योर कॉन्टेक्ट नंबर यू आर ऑल्सो सेम इनपुट टाइप, इनपुट टाइप किसके लिए यूज होता है, बॉक्स लाने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल टेल, टेलीफोन नंबर लिख सके हम लोग, नेम उसमें क्या देंगे कंटेन, एंड देन BR योर कमेंट, आपको क्या क्या कमेंट देनी है, तो कमेंट का थोड़ा बॉक्स भरा होना चाहिए, उसके लिए मैंने क्या दिया है रोज 15 एंड कोल्स दिया है 25। टेक्स्ट एरिया क्लोज BR, इनपुट टाइप में क्या होना चाहिए सबमिट बटन, और वैल्यू में भी क्या आना चाहिए सबमिट। फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज, ये मेरा फॉर्म प्रिपेयर हो गया। पहला मैंने जियो का पेज बनाया, उस जियो ने जो जो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है उसके हिसाब से मैंने फीडबैक फॉर्म बनाया, ये दोनों पेजेस को मैंने इंटरलेक्ट किया, उसका देखते हैं हम लोग आउटपुट सेकंड पेज का। सेकंड पेज का आउटपुट आपके सामने है, जिसे फर्स्ट नेम दिया था, ईमेल आईडी डालना है, कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, और दोनों को मैंने क्या कर दिया इंटरलिंक कर दिया। अगर मैं सबमिट का बटन करती हूं तो वो आ जाएगा। आई थिंक सो आपको SOP 1 समझ में आ गया होगा कि उसमें कितने पेजेस क्रिएट करने और कौन से टैग्स, कौन से कंटेंट्स एंड कौन सी ये एडिटिंग करनी है, जिसमें हम लोगों को इमेज डालना है, लिंक डालनी है, दोनों पेजेस को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।